गठबंधन, क्योंकि मायावती ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ा है। हम ये बात कह रहे हैं, आपको बता रहे, कहा है क्या अकेले उपचुनाव लड़ेंगे, घोषणा कर दी है 11 सीटों पर। अखिलेश बोले अलग रास्ते का स्वागत। बीएसपी ने 5 महीने बाद दोस्ती तोड़ दी है, जो बड़ी दोस्ती, जो बड़े बड़े कवरेज मिले थे, सपा के बेस वोट को नहीं आ पाया, ये कहना मायावती का। अखिलेश यादव, सपा के कई बड़े नेता चुनाव हार गए, ये मायावती ने कहा है। बड़ी बातें जो कही है, सपा के लोगों ने एकजुटता का मौका गवाया, मायावती ने ये बड़ी बातें जो कही वो हम आपको बता रहे हैं। 12 जनवरी को गठबंधन किया गया था, दोनों पार्टियां 26 साल के बाद एक साथ आई थी, दोनों पार्टियां 26 साल के बाद एक साथ आई और महज 144 दिन में ये खत्म हो गया सब। मायावती ने कहा था कि इस बार लंबा चलेगा गठबंधन, बड़ा सवाल है। 1993 में भी दोनों दल साथ आए थे, उस समय बसपा की कमान कांशी राम के पास थी। 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद यह गठबंधन टूट गया था, एक धब्बा जरूर है ये भारतीय राजनीति में, और उसके बाद यह गठबंधन टूटा था 2 जून 1995 वो तारीख। और यह हम आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश में 2017 11 सीट जो उपचुनाव है, गोविंद नगर बीजेपी 60, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है ये जानना और समझना भी कि आखिर किस प्रकार से। हम आपको पूरा सिनेरियो बता रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, रवि भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं 11 सीटों पर, क्या लग रहा है, सपा बसपा अगर अलग अलग लड़ती है तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखिए, पिछले दो गठबंधन जो समाजवादी पार्टी ने किए हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो और उसके बाद आरएलडी और बसपा के साथ, इन दोनों गठबंधनों का नुकसान हुआ है, उसकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है और अब एक तरह से जो खत्म होने के कगार पर है। दूसरी तरफ बसपा का जो यकीन है, जो वोटर्स हैं उनका यकीन बसपा में भी, वो भी कम हुआ है। तो इसके जो इम्पैक्ट हैं वो आने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिलेंगे। जो पब्लिक है, जो जनता है, चाहे वो वोट बैंक जिसको ये दोनों पार्टियां कहती हैं वो ही क्यों ना हो, वो समझ चुकी है कि ये दोनों जो बड़े नेता हैं, दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आप दोनों से बात करेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण है ये, सपा बसपा का गठबंधन टूट गया है महज 144 दिनों में और बीजेपी को एक मौका मिल गया। क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इस पर, क्या मौके पर कहा, ये आपको सुनाते हैं। यूपी में टूटा सपा बसपा का रिश्ता, बीजेपी ने ब्रेकअप पर ली चुटकी, अब अलग अलग लड़ेंगे माया अखिलेश। यूपी में 11 सीटों पर होना है विधानसभा उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में माया और अखिलेश का रिश्ता क्या टूटा, हर तरफ चर्चा में सिर्फ और सिर्फ सपा और बसपा हैं। माया ने अखिलेश पर यादव वोट दिलाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी लगातार इस ब्रेकअप पर तंज कस रही है। गठबंधन टूटना ही था, गठबंधन कोई मतलब किसी लक्ष्य को लेकर के नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है कि लक्ष्य के अंतर्गत लड़ाई लड़ती है और उसमें हम सफल हुए हैं। हमारे लिए यादव भी हमारे हैं, जाटो भी हमारे हैं, सपा बसपा को सांपनाथ और नागनाथ से कम नहीं समझता। मैंने कहा था जिस तरह ये बेमेल गठबंधन, विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है, ये अपनी अकाल मौत को प्राप्त करेगा, राजनीतिक रूप में अकाल मौत को, गठबंधन को मैं कह रहा हूं, मैं दल को नहीं कह रहा हूं। और वही हुआ आज कि चुनाव होते ही बसपा के आदरणीय अध्यक्ष के घर के दरवाजे सपा के अध्यक्ष के लिए बंद हो गए। किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जिस गठबंधन के पीछे न कोई नैतिक पक्ष था, न कोई नीति थी, न कोई नियत था, केवल केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति थी, तो स्वाभाविक है स्वार्थों की पूर्ति न होने के बाद गठबंधन समाप्त। कानून मंत्री ने कहा कि ये तो पहले से ही पता था कि ये गठबंधन स्वाभाविक नहीं है, जमीन से इसका वास्ता नहीं है। पाठक ने कहा कि गठबंधन एक हफ्ते ज्यादा चल गया, टूटना तो इसको 23 मई को ही था। भाजपा के सीनियर नेता शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि चुनाव के दौरान ही हमने कहा था कि ये गठबंधन नापाक है। ये जब गठबंधन हुआ था उसी समय से ये ऐसा प्रतीत हो रहा था, देश और प्रदेश के लोग जानते थे ये गठबंधन स्वाभाविक नहीं है, धरातल पर नहीं टिकेगा, आपस में कार्यकर्ताओं में वैमनस्यता है और वही उसका हश्र हुआ और यही होना था परिणाम इसका। हम चुनाव के अंदर भी इस बात को कहा करते थे कि इन लोगों का गठबंधन सिर्फ नापाक है, क्योंकि ये बार बार ये कहा करते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन किए हुए। देखिए, स्वार्थ का गठबंधन था, गठबंधन टूटना ही था, क्योंकि बिना विचारधारा के कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, ये होना ही था, मिल सकते ही नहीं थे, क्योंकि इनकी जो है केमिस्ट्री ही अलग थी।
गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को सपा और बसपा दोनों पर हमला बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी का हर नेता यही कह रहा है कि ये तो होना ही था। जब गठबंधन तय हुआ था उसी दिन इसका टूटना भी तय हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो ये